ये है मुंबई की 2611 अटैक वाली जगह। 2611 अटैक मतलब मुंबई में 26 नवंबर 2008 को अटैक हुआ था और अभी ये वही जगह है जहां पे अटैक हुआ था। आप भीड़ भाड़ देख सकते हैं और मैं आपको आगे ले चल के पूरा दिखाने वाला हूँ, कहाँ से लोग आए थे, कैसे कैसे अटैक किया था, इन सारी चीज़ों के बारे में दिखाने और बताने वाला हूँ। वैसे तो मुंबई में बहुत भीड़ रहती है हमेशा, लेकिन ये जो एरिया है स्पेशली बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पे होटल ताज है और होटल ताज के सामने बिल्कुल सी है और सी के सामने क्या है, समुद्र है। समुद्र के सामने गेटवे ऑफ इंडिया है और इसी कारण से पर्यटक लोग यहाँ पर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करने आते हैं। ये होटल ताज आप देख सकते हैं कितना सुंदर है और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू रहता है। आप कभी भी आओ, चाहे दिन में, रात में या किसी भी मौसम में आप आओगे, आपको व्यू ज़बरदस्त दिखेगा, रात में लाइटनिंग के साथ और दिन में बिना लाइटनिंग के साथ। और इस एरिया में ऐसी भीड़ बनी रहती है। तो मुंबई की फेमस जगहों में से एक ये जगह है जो कि मुंबई में अटैक हुआ था, मुंबई 2611 अटैक। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समुद्री रास्ते, यहाँ समुद्र है, ये आप देख सकते हैं समुद्र किनारे लोग बैठे हुए हैं और ये जो बिल्डिंग है यहीं पे अटैक हुआ था, यहीं पे। और इसी समुद्र के रास्ते आतंकवादी लोग आए थे। अब देख सकते हैं आप उस समय 2611 या फिर एक है मुंबई 2611 अटैक की फ़ोटो आप देख सकते हैं और कितना ज़्यादा धुआं ही धुआं था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्रकार लोग भाग रहे थे एंड बहुत लोग थे। ये गेटवे ऑफ इंडिया जो इसके जस्ट सामने हैं। अब अगर अभी की बात की जाए तो अभी ऐसा दिखता है मुंबई की ताज होटल। ताज होटल में अटैक जब हुआ था तब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे भीड़ रहती है, उसी कारण से लोग लगभग 166 लोग मारे गए थे, 166 और 200 से अधिक घायल हुए थे मुंबई अटैक में, मुंबई ताज होटल में अटैक जो हुआ था उस समय की बात है। लेकिन आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतनी भीड़ भाड़ वाले एरिया में आतंकवादी आके अटैक करेंगे तो कितना हानि होगा, कितना नुकसान होगा। तो उस समय इतना ही ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि मुंबई की ये बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है। वो आपको जो दिख रहा है वो आप गेटवे ऑफ इंडिया है। तो पर्यटक क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ पे बैठे रहते हैं, यहाँ से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करते हैं। कुछ लोग गेटवे ऑफ इंडिया पे चले जाते हैं और इसी भीड़ भाड़ का सहारा लेके आतंकवादी लोग इसी रास्ते से आ गए थे और इसी रास्ते से आके डायरेक्ट ताज होटल में चले गए थे और अपना सहारा ले लिया था, छिपने का जगह बना लिया था ताज होटल को। तो इसी कारण से कुछ दिनों तक चला था और बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला एरिया है, क्राउड यहाँ पे हमेशा बनी रहती है चाहे दिन हो या रात हो। रात का माहौल तो चार गुना ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है इस एरिया में। तो मैं रात का भी वीडियो दिखाऊंगा यहाँ का, लेकिन अभी और आगे चल के मैं आपको गेटवे ऑफ इंडिया दिखा देता हूँ, उस कॉर्नर को दिखा देता हूँ। और ये है मुंबई की अटैक वाली जगह, मुंबई की 2611 में जो अटैक हुआ था वो वाली जगह है, या फिर एक है ताज होटल की अटैक वाली जगह जो कि आप देख रहे हैं। अभी मैं ताज होटल के जस्ट सामने वॉक कर रहा हूं और यहां पे देसी एंड विदेशी पर्यटक आपको देखते हुए मिल जाएंगे जो कि आते हैं। यहां से आप एग्जिट हो सकते हैं बाहर की तरफ और ये पूरा ताज होटल का ही एरिया है, आप एंट्रेंस कर सकते हैं, एंट्री चेक पॉइंट वहां पे है। अगर बैक की बात किया पीछे तो यहां पे वो आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया है, गेटवे ऑफ इंडिया। और ये जस्ट कॉर्नर पॉइंट है, अगर आप राइट साइड जाएंगे आप देख सकते हैं पूरा समुद्र ही समुद्र है और ये ताज होटल। तो ये इस कॉर्नर की वजह से, इस भीड़ का फ़ायदा उठा के आतंकवादी लोग आए थे और यहाँ पे अटैक हुआ था। तो ये है 2611 की अटैक वाली जगह, मतलब ये है मुंबई की 2611 की अटैक वाली जगह। अब कैसी है आप देख सकते हैं, अब कैसा माहौल है। पहले तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था लेकिन अभी बहुत अच्छा है, बहुत ही सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है यहाँ पे अब। लेकिन वहाँ से आके मैं मुंबई की एक और जगह पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल डेकर बस, जो कि आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। डबल डेकर मतलब दो मंजिला बस आपको मुंबई में ही देखने को मिलेगी फ़िलहाल भारत में, या फिर ये बोले कि इंडिया में। और इंडिया में मैंने मुंबई के अलावा कहीं डबल डेकर बस नहीं देखी है, ये स्पेशली टूरिस्ट लोग भी यूज करते हैं। और यहाँ पे एक टूरिस्ट बस भी चलती है, उसका भी यूज आप कर सकते हैं अगर आप पहली बार मुंबई आ रहे हैं। तो अगर आप
और मुंबई की ब्लॉग देखना चाहते हैं, जैसे कि फेमस प्लेसेज ऑफ मुंबई, बेस्ट प्लेसेज ऑफ मुंबई, बेस्ट विजिटिंग प्लेसेज ऑफ मुंबई, टूरिस्ट प्लेसेज इन मुंबई, फेमस प्लेसेज इन मुंबई, मुंबई न्यू वीडियो, मुंबई लेटेस्ट वीडियो, तो मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, आप चेकआउट ज़रूर करना।